हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एक ऐसा जो क्वेश्चन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेकॉन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है। एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ चुके हैं। इसमें वैकेंसी निकल के आ रही है जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंदर आता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है ये पीएसयू। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है, इस रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में केवल अप्लाई आपको यहाँ पे करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आगे आपको दिया गया है दूसरे नोटिफिकेशन में, जो कि मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी वैकेंसी है। तो वैकेंसी आपका ऑयल एंड गैस, यहाँ पे एरिया डिसिप्लिन आपको दिया गया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे इसमें जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर सिविल की है और असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्चर की, जिसमें दो वैकेंसी और यहाँ पे एक वैकेंसी आर्किटेक्चर में निकाली गई है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑयल एंड गैस की अगर बात करते तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर एचआर की वैकेंसी, एक वैकेंसी निकाली गई। असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी, इसी तरह से मैकेनिकल की वैकेंसी, मैकेनिकल एलडीपी प्रोजेक्ट के लिए है। तो यहाँ पे सारी वैकेंसी डिटेल आप देख सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर आयरन मेकिंग में है, असिस्टेंट मैनेजर जो है GMB में है, इसी तरह से मार्केटिंग में है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे पॉज करके वीडियो को चेक कर सकते हैं, या फिर आपको नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ग्रेड भी दिया गया कि किस ग्रेड की ये पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। तो टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो 78 नंबर वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। अब आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सैलरी आपका दिया गया कि पे स्केल क्या आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी गई कि किस ग्रेड के लिए कितना पे स्केल आपका यहाँ पे रखा गया है। मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे होती है, जो कि आप इसमें एलिजिबल हैं या नहीं, ये आपको यहाँ पे दर्शाता है। तो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर सिविल, जो कि ऑयल एंड गैस में है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका डिग्री यानी BA/BTEC अगर सिविल में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेशर अप्लाई यहाँ पे कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। इसी तरह से असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे डिग्री आपने आर्किटेक्चर में किया हुआ है, फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर में यहाँ पे आपका PG डिप्लोमा, PG डिग्री, MBA मांगा गया है, तो यहाँ पे फ्रेशर्स हैं, अप्लाई आप कर सकते हैं। अगला है असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन में, जो कि यहाँ पे डिग्री आपका इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, फ्रेशर्स हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो आप यहाँ पे जो है असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल LDP प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर आयरन मेकिंग में भी डिग्री आपका मैकेनिकल में मांगा गया है। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर GMB की अगर बात करते हैं तो डिग्री आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में यहाँ पे मांगा गया है। पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग में, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं डिग्री आपका इंजीनियरिंग में होना चाहिए विथ मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्पेशल मार्केटिंग में होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट 2 साल का कोर्स होना चाहिए। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर TA/CD की अगर बात करते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होना चाहिए फुल टाइम PG डिप्लोमा के साथ, 2 साल का ड्यूरेशन का कोर्स जो है मटेरियल मैनेजमेंट में होना चाहिए PG डिप्लोमा का। और यहाँ पे फ्रेशर्स वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। आगे डिटेल है यहाँ पे जो कि असिस्टेंट मैनेजर इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में, जैसे मास्टर्स डिग्री आपसे मांगा गया लाइफ साइंस में, जैसे कि जियोलॉजी, बॉटनी या फिर फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इकोलॉजी में, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट में, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, इकोलॉजी एंड बायोडायवर्सिटी में, या फिर PhD आपने किया हुआ रिलेटेड फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर असिस्टेंट मैनेजर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो डिग्री आपका केमिकल में मांगा गया है या फिर एनवायरमेंटल या सिविल इंजीनियरिंग में, साथ में मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए केमिकल या एनवायरमेंटल में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर जितने भी पोस्ट हैं, डिप्टी मैनेजर की पोस्ट है या नीचे जो भी पोस्ट है, सभी में एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का मांगा गया है या फिर 9 साल का एक्सपीरियंस भी आगे मांगा गया है। तो अगर आप एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर नीचे के पोस्ट नोटिफिकेशन से आप रीड कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि सिविल वाले यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ही केवल रिलेवेंट ब्रांच में अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल वाले में मैकेनिकल प्रोडक्शन दोनों अप्लाई कर सकता है, केमिकल वाले में केवल केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, माइनिंग की बात करें तो माइनिंग इंजीनियरिंग या माइनिंग टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में इक्विवेलेंट जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी IT सर्विस की बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, IT वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी डिटेल नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे फुल टाइम कोर्स आपका होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाते हैं। तो अगर आपका CGPA सिस्टम है तो यहाँ पे देख लीजिए कि CGPA अगर 7 है तो इसको जो है 70% ट्रीट यहाँ पे किया जाएगा, यानी 10 से मल्टीप्लाई आपको किया जाएगा, इस तरह से आपको परसेंटेज यहाँ पे काउंट करना। सिलेक्शन मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाए। ट्रैवलिंग अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे जब आप इंटरव्यू के लिए यहाँ पे जाएंगे, तो उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया। एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन
रजिस्ट्रेशन फ़ी, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। बाकी अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी हैं, एक्स सर्विस मैन हैं, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नहीं देंगे। एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो एज लिमिट आपका है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, ईवन यहाँ पर ग्रेड है, तो यहाँ पर उस पोस्ट के लिए 30 साल तक मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए। ई2 ग्रेड में आपका 32 साल तक एज होना चाहिए। इसी तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जब ईडब्ल्यूएस के लिए। और इसके अलावे अगर आप मान लीजिए कि एससी एसटी हैं तो 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की, बाकी कैटेगरी वाले यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अपडेट जो है अटैचमेंट का डेट है उसी के अकॉर्डिंग आपका काउंट यहाँ पे किया जाएगा। रिजर्वेशन एज पर रूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस पोस्टिंग की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। इसके साथ ही कैसे अप्लाई करना है तो आप देख सकते हैं कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, कैरियर सेक्शन में जाकर के कैरियर अपॉर्चुनिटी में जाना है और वहाँ पर अप्लाई का लिंक आपको मिल जाएगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, सारी जानकारी दी गई कि स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको लगाना है। इसके साथ ही सिग्नेचर के बारे में दिया गया है कि ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आपको करना है और सेल्फ अटेस्ट है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सभी को पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड यहाँ पे करना होगा, जैसे कि 10th का मार्कशीट, इसी तरह से फाइनल या प्रोविजनल डिग्री आपके पास है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है, लास्ट सेमेस्टर या फिर ईयर का मार्कशीट आपको देना होगा, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। इसी तरह से नीचे आते हैं तो आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि केवल इंडियन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर लेंगे उसके बाद हार्ड कॉपी को यहाँ पे फॉरवर्ड करना है इस एड्रेस पे। और यहाँ पे देख लीजिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए वो सेल्फ अटेस्टेड करके वहाँ पर अपलोड करना है। तो बाकी डिटेल जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड कीजिए, डिटेल में इसे पढ़ लीजिए, यहाँ से तभी जाकर के अप्लाई कीजिएगा तो सारी जानकारी इसमें आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे एप्लीकेशन डेट की अगर हम बात करते हैं तो आपका स्टार्टिंग है यहाँ पे 26 नवंबर 2021 से लेकर के आप इसमें 25 दिसंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।